जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 26 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि दोस्तों ऑनलाइनर के फॉर्म में है। और दोस्तों ये करंट अफेयर्स आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने SBI Ecowrap रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने SBI का Ecowrap रिपोर्ट जारी किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जिन्होंने बच्चों के लिए भारत की वर्चुअली साइंस लैब लॉन्च की है। तो दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो कि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा बच्चों के लिए भारत की वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किस राज्य के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में 4 दिवसीय सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों गुजरात राज्य के जो कच्छ प्रायद्वीप है उसके क्रीक सेक्टर में 4 दिवस के लिए सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात की राजधानी क्या है और वह किस नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। तो दोस्तों नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है। तो दोस्तों तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसको तीसरी बार अपने नाम किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं IQAir डाटा के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं। तो दोस्तों IQAir डाटा के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व के 100 शहरों में भारत के 46 शहर प्रदूषित शहरों में शामिल किए गए हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के साथ किस देश ने नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और अमेरिका की राजधानी Washington DC और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो ने ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है। और दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय जो कि दोस्तों मद्रास का प्रेजेंट टाइम में नाम है चेन्नई। तो दोस्तों चेन्नई जो उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। तो दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को शपथ दिलाया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लोग के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।